तो ये स्पीति की डोंकी देख लीजिए, यहाँ के जो गधे हैं एक साथ पांच खड़े हैं, हिल भी नहीं रहे बेचारे ठंड में, और फर बहुत है इनके शरीर पे ताकि ठंड से बचे रहे हैं। तो हम पोस्ट कार्ड लेने जा रहे हैं, यहाँ पे पोस्ट कार्ड एंड फ्रिज मैग्नेट यहाँ मिलता है, तो यहाँ पे लिख के डाल देंगे हम। एट लास्ट बहुत जद्दोजहद के बाद हम पहुंच गए हैं चीचम ब्रिज, वर्ल्ड का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है ये, और जो कि यहाँ पे चीचम में लाहौल स्पीति में है। और ये पूरा नज़ारा देख लीजिए चारों तरफ। और ये जो ब्रिज है किब्बर विलेज को चीचम ब्रिज से जोड़ता है, अगर जब ये ब्रिज नहीं बना था तब इस 20-25 किलोमीटर फालतू घूम के जाना पड़ता था, अब सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता रह गया है। और ये देखिए खाई, देखिए कितनी ज़बरदस्त खाई है यहाँ पे, यहाँ से दिखाता हूँ आपको। ओए होए होए, देखिए खाई, देखिए गैराज कितना गहरा है, ये कम से कम 1200 फीट गहरी है ये। तो गाइस समय हुआ है पूरे 3, और अब यहाँ से हमारी वापसी दिल्ली की शुरू हो गई है। तो विंटर स्पीति को हमने फतेह कर लिया है और सब कुछ हमने अच्छी तरह एक्सप्लोर किया है। ये आखिरी था चीचम ब्रिज, तो अब सीधा जाएंगे काजा, काजा से फिर सीधा निकल जाएंगे, जहाँ तक पहुँच पाएँ आज मैक्सिमम जाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस ये है की मोनेस्ट्री जाने का रास्ता, ये देख लीजिए, यहाँ से की मोनेस्ट्री 1.5 किलोमीटर रह जाती है, लेकिन आज हम नहीं जा रहे हैं, आज हमारा समय कम है। तो ये व्यू देख लीजिए चारों तरफ का, यहाँ का भी दिखाइए, यहाँ तो कितना बढ़िया व्यू है, ये देखो कितना बढ़िया व्यू है यहाँ, और ये खेती हुई पड़ी है, और साथ में नदी स्पीति रिवर बह रही है, और ये हम हैं व्हाइट स्पीति में, विंटर व्हाइट स्पीति। हम आ गए हैं वापसी काजा में, तो मोस्टली हमने काजा को एक्सप्लोर कर लिया है, इसके आसपास जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस थे वो भी हमने एक्सप्लोर कर लिए हैं। ये देखिए कल रात को हम यहाँ पे रुके थे, यहाँ पेट्रोल पंप के साथ से गए थे, तो ये मोनेस्ट्री है, ये स्तूपाज हैं, ये साथ में ये सारे स्तूपाज हैं, और ये मोनेस्ट्री का गेट ये साथ में है, ये गेट। तो बस अब हम काजा नहीं रुकेंगे, हम सीधे निकल रहे हैं अपना दिल्ली की तरफ, और मैक्सिमम जहाँ तक जा सकेंगे आज पहुँचने की कोशिश करेंगे, रोड कंडीशन अच्छी मिली तो कोशिश करेंगे जहाँ से आगे से आगे जाएं, और कल तक हम घर पहुँचने की कोशिश करेंगे। काजा 0 किलोमीटर, काजा मड हाउस। गाइस ये देख लीजिए, ये है काजा सिटी, और यहाँ पे आपको बहुत ही होम स्टेज मिल जाएंगे रुकने के लिए, आजकल तो बहुत ही ऑप्शन हो गई है, लेकिन विंटर्स में बहुत कम इसमें ऑप्शन मिलती है, समर्स में आएंगे तो यहाँ पे तरह तरह की आपको ऑप्शन मिलेगी, मड हाउस मिलेंगे आपको, और भी तरह तरह की इसको रुकने की जगह मिलेगी। ये देखिए सारा ये हाउस हैं अपने काजा के,
ये पूरी काजा सिटी है और यहाँ पे होम स्टे भी है सारा। और ये रास्ता नीचे जाता है काजा को पूरा, ये नीचे पीछे जो गया। अभी ताबो आने वाला है, मतलब कि 5-6 किलोमीटर पहले से। और ये देखिए गाड़ी फंस गई है 2x2, तो स्नो में विदाउट स्नो चेन बिल्कुल मत लाएं अपने 2x2। कोई भी गाड़ी है स्नो चेन लगा के ले आएँ फिर चल जाएगी, लेकिन ये फंसेगी। तो ये भाई अभी निकाल रहे हैं, हमारे लगे हैं बंदे निकालने को। तो गाइस वी आर क्रॉसिंग द ताबो ब्रिज, दिस इज द आयरन ब्रिज। चल रहा है ना आगे बैठने का नतीजा, और बिठाओ इनको आगे। हम क्यों बैठे हैं, मैं तो पीछे बैठा हूं गुलाब भाई के साथ। जहां पे भी गए ना। तो गाइस श्रीकांगपियो यहां से 41 किलोमीटर है, नहीं 141 141 है यहां। तो समय हुआ है, क्या टाइम हो गया, 5:45 टाइम हो गया है और अंधेरा 1 घंटे में मैक्सिमम अंधेरा हो जाएगा। तो धीरे धीरे चलेंगे, देखते हैं कहां तक पहुंचे। एक अंक भी हो तो बहुत लंबा रास्ता है अभी, तो चलो देखते हैं। बजने वाले हैं और हम वापस नाको पहुंच गए, और आज काजा एक्सप्लोर कर लिया हमने और वापसी दिल्ली को हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। और 8 बजे ही हम पहुंच गए हैं नाको में, और ये नाको ने ही हमारा सफ़र रोका था, और नाको को दिखाने आ गए, देख हम आ गए वापसी। हाँ, तो अभी नाको में पहुंच गए हैं, समय 8 बजे हो गया है, और ये हमारी जिन्नी, मैं दिखा देता हूँ, बर्फ काफ़ी जम गई है, ये जम गई है, ये पूरी बर्फ जमी हुई है यहाँ पे। गर्म पानी मार दे भाई, ये रोशनी बढ़ जाएगी थोड़ी पूरी। हाँ ये गर्म पानी की जरूरत है, वैसे ही साफ हो जाएगी। छूट गया ये नहीं, इस पे ये देखिए लाइट रोक रोक रहे हैं ना, ये लो लाइट तो चलती है। तो ये है कांगड़ी ढाबा नाको, देवभूमि किन्नौर। तो अब सीधा जाएंगे रिकांगपियो, उसी होटल में, माओकिम के होटल में, वहाँ पे हमने ऑर्डर दे दिया है खाने का। अभी कुछ नहीं खा रहे क्योंकि रात को भारी हो जाएगा पेट, तो नींद आने लगेगी, इसलिए अब सीधा निकलेंगे। सर वो लाइट साफ कर रहे हैं और शीशा साफ किया है, ये देखो साफ हो गया अब तो, फर्स्ट क्लास लाइट चमकेगी अब तो। एक वो नीचे वाली भी करते हैं, ये देखो हमारी नंबर प्लेट का क्या हाल हो गया, नंबर प्लेट कोई दिख नहीं रहा कुछ भी। इतने बाद में लगवाई थी, यही तो हट रहा है उसके साथ प्लास्टिक भी। तो रखा है। आओ, प्लास्टिक भी साथ ना ले जाए। चल पढ़ो, चलो 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 बैठो बैठो, लाइट तो साफ हो गई, शीशा साफ करना जरूरी था, लाइट और शीशा। चल पढ़ो, उसको फोन कर दिए, दाल और मिक्स वेज बना देगा, ठीक है ना। बढ़िया बढ़िया, मिक्स वेज और दाल, थोड़े चुपड़े हुए राइस और चपाती। चलो क्यों
अरे शीशा साफ करने हैं, लाइट साफ करने के लिए ठीक कर दिया जो रुक दिया हमने यहाँ पे। ये जरूरी था काम करना रुकना, क्योंकि लाइट देखो नाकू ने हमें रोका था जाने के लिए, इसको दिखाना था हमने कि हम फिर रुक गए। देख हम आ गए हैं। फॉक्स फॉक्स अरे निकल गई, पाड़ी चुहा था। फॉक्स है भाई, लोमड़ी थी, लोमड़ी थी। तो हेलो गाइस, हम पहुंच गए हैं स्पिलो और काजा से चले थे नॉन स्टॉप और सिर्फ नाको में एक हमने ब्रेक लिया था और हमने हेडलाइट वगैरह साफ करी थी, बिल्कुल लाइट बंद हो गई थी और उसके बाद तो बड़ी चमकदार रोशनी में आए हम, मज़ा आ गया। तो स्पिलो क्रॉस कर रहे हैं और इसके बाद सीधा आएगा रिकांगपियो। ये है स्पिलो, ये देख लीजिए। रात के कितना बजे गया भाई? नौ बज गए हैं, तो 9:30-9:30 तक हम पहुंच जाएंगे रिकांगपियो में और फिर वहां करेंगे पेट पूजा और आराम। लेके जाना है अल्लाह रख दे तू गाइस पे, रख दे थार पे। तो गाइस 9:50 पे हम पहुंच गए हैं रिकांगपियो और ये है अपना माओ किम और जो होम स्टे जिस पे हमने लास्ट आपको बताया था। तो वापसी है, हम यहीं पे आ गए हैं। हमारे इनका मतलब कि खाना और इनके रूम्स बहुत ही अच्छा लगा था, इस वजह से हम वापस यहाँ पे आए हैं। नहीं तो हमने कल्पा रुकना था, लेकिन भाई से इतना प्यार है कि वापस यहीं आए हम। तो बस अब सामान लेके चलते हैं अंदर, खाते पीते हैं और मस्ती करते हैं, फिर सोते हैं। तो आ गए हैं हम अपने रूम में और ये अपना खाने पीने का काम शुरू हो गया है। ये हमें नीचे रूम मिला है, इससे जहाँ हम रुके हुए थे उससे नीचे वाला फ्लोर है, तो सेम ही ऑलमोस्ट। ये देखिए ये हमारा पूरा सेटअप है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। We'll be right back.